सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगेन वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्रिस्प एंड कुछ सीरियस न्यूज। तो गाइस, आपको पता ही है कि अब सोल की एक न्यू लाइनअप रिवील हो चुकी है, जो कि आप जानते हो ब्लाइंड की एक्स पूरी की पूरी मेन लाइनअप ही अब सोल की मेन लाइनअप है। एंड मायावी ने भी टीम सोल को ज्वाइन कर लिया है एज अ कोच। एंड आपको क्या लगता है कि अब ब्लाइंड में कौन सी टीम जा सकती है? तो यही सेम सवाल स्काउट भाई की स्ट्रीम पे पूछा गया था। तो स्काउट भाई ने कुछ चीज़ें रिवील करी कि वो ब्लाइंड को ज्वाइन कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। इंसान, ओ इंसान इंसान वी आल्सो हैड अ चांस फॉर दैट लाइनअप बट आई चोज माय बॉयज ओवर एवरीवन एल्स। और गाइस, जब एस पावर अपनी स्ट्रीम पे लाइव आए आफ्टर सोल ज्वाइन करने के बाद, तो चैट ने उनसे कुछ सवाल पूछे कि सोल फैंस को आप क्या मैनेज कर पाओगे, हीट और जो भी प्रेशर है क्या उसको आप मेंटेन कर पाओगे। तो उसके ऊपर एस पावर का रिएक्शन कुछ ये था। फैंस का प्रेशर मत लेना कभी पावर। गाइस, अभी मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को भी पता है अपने टीम में जो जो बंदे उन लोग सब लोग ने इससे पहले भी कितना हीट खाया है और वो हीट के बाद भी, मतलब पता है गाइस। देखो, अभी हम लोग फैंस हीट वगैरह मतलब हीट पे ध्यान नहीं देंगे और अपना डेडिकेशन डिसिप्लिन हार्डवर्क पे काम करेंगे, तो फिर ऑफकोर्स कोई प्रेशर वगैरह तो आएगा नहीं। ऑफकोर्स तो चिल करो। गाइस, इसी स्ट्रीम के अंदर एस पावर की पीक वॉचिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए चैट ने स्काउट भाई की स्ट्रीम पे बहुत सारी चीज़ें बोली कि एस पावर आपकी आपके रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता था, जो कि अब तक यूट्यूब पे हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का है। तो उसके ऊपर स्काउट भाई का रिएक्शन कुछ ये था। पावर अपना लौंडा है, आज आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जस्ट हेल्दी कमेंट। यार फंसाओ मत यार चीज़ों को लेकर अपने लौंडा, मुझे पता है। बट भाई वो रिकॉर्ड तुझे पता है नंबर कैसा है? वो रिकॉर्ड का नंबर अगर मैं कभी बनाया नहीं हो तो रिकॉर्ड मेरे को कभी रियलिस्टिक लगता ही नहीं। वो रिकॉर्ड मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, तुम ही देख लो यार तुम क्या बोल रहे हो। वो रिकॉर्ड भाई ट्रिगर नहीं तोड़ पाया, कैसी बात करते हो। कॉमेडी मत करो भाई, मैं चांद पे कर ले रहा हूँ, जस्ट हेल्दी कमेंट यार, मैं चांद पे कर ले रहा हूँ। मतलब गाइस, 360 के वॉचिंग लाइव, वो भी यूट्यूब पे, इट्स नॉट अ जोक ब्रो। तो समझ सकते हो ना, तो चिल करो, चिल सीन है, कोई सीन नहीं है। एंड क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। देंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है गॉड लाइक की। तो गॉड लाइक में एक न्यू मेंबर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, एंकी बॉट, जो आप इस पोस्ट में देख सकते हो। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एंकी बॉट ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने गॉड लाइक क्यों ज्वाइन करा है एंड गॉड लाइक का क्या नया कोच कौन सा हो सकता है या कौन हो सकता है। सिर्फ येलो हार्ट सी दिख रहा है मेरे को, आई लाइक इट। धीरज, थैंक यू सो मच फॉर द 200, वेलकम एंकी भाई। इन गॉड लाइक पर रोल क्या है आपका? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर गॉड लाइक में आया हूँ। और ई स्पोर्ट्स में यू ऑल नो कि गॉड लाइक अलग लेवल पे है। एंड हमें ऐसा लगा कि कंटेंट में भी हम बहुत, मतलब कंटेंट गेम भी स्ट्रॉन्ग है बट हम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े हैं गॉड लाइक के साथ। अश्विन गॉडल कोच, देखो मैं तुम लोग को बस एक बात बता रहा हूँ कि गॉड लाइक में एक कोच भी आ रहे हैं और आप लोग को बहुत जल्दी पता चलेगा कि वो कौन है। बट अभी मैं वो चीज़ रिवील नहीं कर सकता आपको, तो थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त के साथ आपको पता चलेगा। बट जी हाँ, इंटरनेशनल कोच और डोमेस्टिक, देखो ये तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। बट हाँ, कुछ खतरनाक हो रहा है, बस मैं इतना बता रहा हूँ। मतलब इंटरनेशनल मे बी। बूट कैंप कब जा रहे हो? बूट कैंप जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे और बहुत कुछ खतरनाक खतरनाक आप लोग के लिए कॉन्टेंट्स लेकर के हम आएंगे। नियो को बोलो प्लेइंग फोर में खेले। मेरे को नियो का एग्जैक्ट प्लान्स पता नहीं है, मेरी उनसे बात हुई नहीं थी वहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए तो वो एज अ फिफ्थ प्लेयर ही रहने वाले हैं कुछ। बट गाइस, नियो भाई ने सारी चीज़ें रिवील कर दी कि अभी कोच कौन हो सकता है, इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है। एंड ट्राई आउट किस प्लेयर्स के चल रहे थे एंड उनके साथ क्या सिचुएशन हुई, क्या कॉन्ट्रैक्ट थे, सारी चीज़ें रिवील कर दिए। तो आप इस क्लिप में देख सकते हो। इंडियन कोच ने इंटरनेशनल कोच है और वो कोच का भी बहुत जल्द मीटिंग होने वाली टीम के साथ, तो अभी तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई गाइडेंस नहीं था, समझ रहे हो। तो अभी कोच आने के बाद कोई गाइडेंस रहेगा, उनको स्ट्रैटेजी रहेगी प्रॉपर, कैसा खेलना है कैसा नहीं खेलना है कोच उनको समझाएगा, समझ रहे हो। तो उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस लगेंगे ठीक है तो वो अपन करेंगे फिलहाल। बट यही है जो है, तो इंटरनेशनल कोच तो ले रहे, अनाउंस पी एम जी सी कोच है, पी एम जी सी का कोच है, मंगोलिया का है, पी एम जी सी का है, और रिसेंटली उसने पी एम जी सी में कोच किया है। नहीं नहीं, सेनेटर नहीं है, कोई और है, वो टीम का कोच है। अब वो टीम के प्लेयर्स तो बहुत गांड फाड़े, बट वो टीम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है एक बार, वो टीम का कोच है। तो ये मैं बोल रहा है कि बैकएंड में गाइस हर एक चीज़ अपन करते रहते हैं ठीक है, कि क्या है। कल ही मैंने अमर से बात किया, जली से बात किया, मैंने बोला कि अपन क्या ये प्लेयर का ट्राई आउट ले सकते हैं, वो टेक्निक
क्या अपन ये प्लेयर का ट्राइवर ले सकते हैं वो प्लेयर नहीं, अपन इसका ले सकते वो प्लेयर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अमर ने जली ने उनसे बात कर रखा है, समझा समझ रहे मतलब वो फिर इनकी फाइनल लाइनअप होती है, मैं नहीं रहता उसमें, बट ऑलरेडी उन लोग ने अच्छे अपोलो का जैसे अभी तुमको इसने कहा कि गॉड ने कहा कि मतलब उसका आरएनटी ने थोड़ा मतलब आरएनटी की तरफ से वो रिलीज नहीं हो रहा जो भी है, ठीक है, तो वैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, बट या तो वो टीम के साथ स्टिक करना चाहते हैं या तो उनका और उनको रिलीज नहीं करना, समझ रहे, तो हर चीज़ का गाइस एक क्राइटेरिया रहता है, एक फॉर्मेट रहता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक दो महीने का नोटिस पीरियड रहता है, समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें रहती है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड गाइज इसके बाद मुझे एक स्टोरी मिली जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो अगर आपको पता है तो कुछ चीज़ें मेरे को भी शेयर कर दो यार, कमेंट में बताओ यार अपने भाई को क्या सीन चाहिए, किस तरह सीन नहीं चल रहे, थोड़ा सा मैं कट टू कट हो रखा हूँ अभी इंडस्ट्री से, तो जुड़ना पड़ेगा वापस लगता तो ये, तो सी यू सून, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड राधे राधे।